हेलो हेलो, यस सर। सो व्हाट आई एम सेइंग, द लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड ट्यूटोरियल 4, सो आई एम शेयरिंग अगेन। सो इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट ट्यूटोरियल व्हिच इज शेयर टू यू ऑल। शेयर कर चुका हूं उसको आपको, इफ यू सी दैट यस सर, एक ऑन क्वेश्चन गूगल चाहिए था क्लासरूम आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। सर। आप एक बार ट्यूट 4 शेयर कीजिए, उसमें एक शायद क्वेश्चन फंस रहा था। आई एम शेयरिंग, यू ऑल हैव गॉट दिस नाउ। सर ट्यूट 5 मिल गई। या दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। सो ट्यूट 4 ये है, आप इसमें बताइए कौन सा क्वेश्चन फंस रहा है आपको। ओके, यस यू कैन आस्क। सर वो ट्यूट 3 में था, सॉरी ट्यूट 3 में एक न्यूमेरिकल था। हाँ ओके, सो ट्यूट 4 आपका ओवर हो गया है। सर, सबमिट कर दिया। ओके, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? नहीं Is सर, there any issue in this particular tutorial? That is Tute 4. नहीं है। ओके ओके, सुक्स कैन आई, यस सर। सर ट्यूट 3 एक बार शेयर कीजिएगा, उसमें एक न्यूमेरिकल नहीं आ पा रहा था। ओके आई एम शेयरिंग यू, जस्ट वेट। ओके, हैव यू गॉट दिस? यस सर। यस, बताइए क्या है इसमें क्वेश्चन। सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए, यस, इसमें सर एक ये अगर हमारा कौन टेन सा? परसेंट स्लॉट आइडल है, इसको किया तो था लेकिन सर पता नहीं एक्यूरेट आंसर यही है या फिर नहीं। ये तो मैंने कराया था आप बट लोग को, ये क्वेश्चन मैंने कराया था। हाँ सर, लेकिन उस टाइम इसका आंसर नहीं नोट इसका कर पाए थे। इसका इसका आंसर रिजल्ट मेरा भी तो आने मैंने, तक मैंने तो ट्वेंटी इसका पीडीएफ भी मैंने शेयर किया था आपको, एफिशिएंसी एंड चैनल थ्री लोड के परसेंट रिगार्डिंग। एफिशिएंसी आ रही थी। हाँ, इसी में मैंने आपको शायद ये भी बताया था, इसी क्वेश्चन में, कि इसका एक पार्ट, जैसे इन्होंने तो केवल चैनल लोड एंड एफिशिएंसी पूछा है, इसमें ये भी मैंने एक क्वेश्चन का पार्ट इसमें ये भी डिस्कस किया था, इज द चैनल इज ओवरलोडेड और अंडरलोडेड, आई थिंक सो। इसी क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि आपका चैनल ओवरलोडेड है या अंडरलोडेड है, इफ यू रिमेम्बर दैट। मैंने बताया था उसमें शायद जो वैल्यू आ रही थी वो ग्रेटर देन 1 आ रही थी, जो हाँ सर, टू कैपेसिटी वॉज ग्रेटर पॉइंट देन थ्री 1। चैनल लोड आ हाँ, रहा तो था, मैंने टू पॉइंट बताया था थ्री चैनल आपका ओवरलोडेड है, जो कि 1 से ज्यादा आ रही थी, तो मैंने बताया था चैनल इज ओवरलोडेड, क्योंकि इस केस में जो 1 होती है वैल्यू, और उसमें 1/2 होती है प्योर लोहा के केस में, जी आई सर। रिमेम्बर, है ना। हाँ, तो क्या हुआ इसमें, प्रॉब्लम क्या है? नहीं आंसर बस टैली करने थे सर, एग्जैक्ट वही आ रहा था ना, 2.3 और 23% एफिशिएंसी। हाँ, यही आ रहा था, यही आ रहा था।
ठीक है, और कोई इशू? ओके, सो शुड आई कंटिन्यू विद द ट्यूटोरियल 5? सर क्वेश्चन नंबर 14। एक मिनट, ओके 14th। हाँ तो ये भी, इसमें भी तो चैनल एफिशिएंसी तो निकालनी है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने कराए थे आप लोग को, ये इसका सॉल्यूशन भी उसमें अवेलेबल है। इथरनेट चैनल विथ मेनी स्टेशन हैज डेटा रेट दिस एंड फिक्स साइज फ्रेम्स ऑफ 1500 बाइट्स लॉन्ग, डायमीटर इज दिस एंड सिग्नल प्रोपगेशन स्पीड इज दिस, एंड फाइंड इट्स मैक्सिमम चैनल एफिशिएंसी। डायरेक्ट एफिशिएंसी के फॉर्मूले पे बेस्ड है ये। ओके, सो आई विल शेयर यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस। आई थिंक आई हैव शेयर्ड यू ऑल। सो अगर ये मैं आपको एक बार सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? हेलो, एक बार मैं चेक करूंगा। आई थिंक मैंने सॉल्यूशन इसका भेजा है और मैंने कराया भी था आपको, तो अगर उसमें नहीं होगा तो आई विल शेयर यू अगेन, ठीक है? ओके, एक बार आप चेक करिएगा, मैंने सॉल्यूशन भेजा है, इसमें कराया भी है ये क्वेश्चन आपको ट्यूटोरियल में। ये डेटा रेट गिवन है और ये फ्रेम फ्रेम साइज गिवन है। इसमें पहले हम लोगों ने एक फार्मूला यूज किया था जिसमें हम लोगों ने डिवाइड किया था इसको, पहले डिवाइड करके जैसे फ्रेम साइज दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये जो दिया हुआ है ये डायमीटर ऑफ 1 किलोमीटर, ये जैसे जो टाइम निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, क्लियर? तो एक बार डिस्टेंस हमने ये एज्यूम किया था, जैसे एक तो ये 1500 हो गया, ठीक है, एक 1500 डिस्टेंस हो गई और वेलोसिटी इसमें हो गया एक तरह से ये 10 Mbps हो गया, ठीक। और दूसरा वाला जो केस है उसमें जो है एक में हो गया हमारा डिस्टेंस आपका हो गया 1 किलोमीटर और वेलोसिटी प्रोपोगेशन स्पीड हो गई है। दोनों में हम लोगों ने पहले टाइम निकाल लिया था, एक हम लोगों ने प्रोपगेशन टाइम निकाला था, एक हम लोगों ने ट्रांसमिशन टाइम निकाला था, इफ यू रिमेम्बर दिस, है ना। उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने वो एफिशिएंसी वाला फार्मूला अप्लाई किया था, उससे हम लोग का आंसर आ गया था। यही काम किया था मुझे, मैं जहां तक मुझे याद है मैंने जब ये क्वेश्चन कराया था ऐसे ही बताया था आपको, इफ यू रिमेम्बर दिस, क्लियर? सो अगर अभी तो फिलहाल देखना पड़ेगा इसका सोल्यूशन कहाँ पे है, लेकिन मैंने कराया ऐसे ही था मुझे जो याद, फिर सीधे एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले पे अप्लाई कर दिया था, आंसर आ गया। तो मैं देखूंगा इसका सोल्यूशन होगा जरूर हमारे पास, कहीं ना कहीं होगा, तो आई विल शेयर यू अगेन। इफ मैंने हालांकि शेयर किया होगा लेकिन फिर भी एक बार देख लूंगा, ठीक है। बाकी शॉर्ट आंसर आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। ओके, सो आई एम नाउ शेयरिंग ट्यूटोरियल 5। यू ऑल हैव गॉट द ट्यूटोरियल 5। हेलो, यू ऑल हैव गॉट द ट्यूटोरियल 5। ओके, सो आई एम शेयरिंग द ट्यूटोरियल 5 नाउ विच वी आर डिस्कसिंग। एक बार ट्यूट 4 में फिर से शेयर कर दे रहा हूँ, इफ समवन हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चंस सो पूछ सकते हैं। एक हमने इसमें क्वेश्चन आपको नहीं दिया है जनरली, जैसे क्लास, ये तो क्लास वाला तो दिया ही था, क्लास फाइंड करने के लिए वो तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिख ही रहा है। इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन आता है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस, वो हमने आपको बताया था कैसे निकालते हैं फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस किसी आईपी एड्रेस में, तो वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्लियर? सो आई थिंक इट इज नॉट मेंशन्ड इन दिस, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? मैंने आपको कराया है फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस इन ए गिवन IPv4 एड्रेस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और ये आप जैसे देख रहे होंगे ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल से रिलेटेड तो हमने आपको सब पढ़ा ही दिया था, ATM के बारे में बता दिया था। ATM का रेफरेंस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ATM रेफरेंस मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? All of you are getting my point. ATM reference model is very important. Yes, sir.
मैंने आपको बताया भी था, और ये पेपर में कई बार पूछा गया, ड्रॉ द रेफरेंस मॉडल ऑफ द एटीएम। इसका मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, जो कि काफी टाइम पेपर में पूछा भी गया है। आई एम जस्ट शोइंग यू द डायग्राम ऑफ दिस एटीएम रेफरेंस मॉडल। Just wait, I'm showing you. ये दिख रहा है सभी को? Now the space is visible. Yes, sir. Okay, so if you see, this is about to ATM reference model, exactly. Here, so बस इसकी PDF हमने आपको शेयर करी हुई है. So it is a basically composed of the following planes. जो प्लेन जो रेफरेंस मॉडल है उसमें कुछ प्लेन है, जैसे एक आपका कंट्रोल एक्सिस कंट्रोल प्लेन है, एक यूजर प्लेन है, एक मैनेजमेंट प्लेन है. तो कंट्रोल प्लेन एग्जैक्टली डिफाइन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एंड मैनेजिंग सिग्नल्स रिक्वेस्ट. ये जनरेट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर जनरेटिंग एंड मैनेजिंग सिग्नल्स रिक्वेस्ट. ठीक है, जो भी सिग्नल्स की रिक्वेस्ट आ रही होती है, कोई सिग्नल जनरेट हो रहा होता है या उसको मैनेज करना है, so it is responsible for that. Clear? This is managed by the control signal, control plane. User plane क्या होता है? This is responsible for managing the transfer of data. ठीक है? तो control तो manage करता है. Control is just for the management purpose of the signaling, managing signaling and generating responsibilities is take care of by the control signal, control plane. User is just responsible for the managing of the transfer. Managing the transfer of data. Management is consists two components. First one is the layer management, which manages layer specific functions such as detection of failure and protocols problem. And plane management manages the coordinate functions related to the complete system. So if you see, the ATM reference model is composed of the following ATM layer: physical layer, ATM layer, एंड ए टी एम एडाप्टेशन लेयर. ये इंडिविजुअली भी पूछी जाता है, इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ए टी एम एडाप्टेशन लेयर, AAL जिससे हम बोल रहे हैं. ये कई बार पूछा गया इंडिविजुअली, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ए टी एम एडाप्टेशन लेयर, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. तो इट इज कंबाइंड विद द ए टी एम लेयर. द AAL इज रफली एनालॉगस टू द डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल. You can say it is a type of data link layer, exactly analogous uska. It is responsible for isolating higher level protocol from the details of the ATM processes. Clear? Ye isolate karne ka kaam karta hai jo higher level protocols hain from the details of the ATM processes. So adaptation layer prepares user data for conversion into cells. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, यहां से लेके यहां तक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहां तक ये पूरा AAL की फंक्शनिंग है. सो द एडाप्टेशन लेयर प्रिपेयर्स यूजर डेटा फॉर कन्वर्जन इनटू सेल्स एंड सेगमेंट द डेटा इनटू 48 बाइट सेल्स पेलोड. उसको फिर 48 बाइट सेल में ब्रेक करता है. ठीक है, पेलोड्स में पहले तो उसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है, और उसको फिर कन्वर्ट करता है सेल की सेल्स फॉर्म में. ठीक है, सेल में ट्रांसमिशन होता है एटीएम में, सभी को पता है. फिर उसके बाद उसको क्या करता है, सेगमेंट करता है डेटा को इनटू 48 बाइट सेल्स में, पेलोड में, मतलब पार्ट में तोड़ना, सेगमेंट करना मतलब उसको पार्ट्स में तोड़ना. देन फाइनली द हायर लेयर्स रिसाइडिंग अबव द AAL एक्सेप्ट यूजर डेटा, अरेंज इट इनटू पैकेट्स एंड हैंडेड इट टू द AAL. क्लियर? This is the functioning of this. You can see this is how the reference model can be drawn. You can see this is the reference model. This if you can see this is the reference model.
showing you again. ये आपको रेफरेंस मॉडल दिख रहा है? Just trying to zoom it. If you can zoom it on your system, then you will find the. दिख रहा है सभी को ये? Yes sir. I'm trying to zoom it again. ये देखिए. Now I think it is more visible to all of you. Yeah. So this is the ATM reference model. ये ध्यान रखिएगा. ये तो आपका OSI model हो गया. And the data link layer is exactly divided into this ATM adaptation layer and ATM layer. This is data link layer का ये analogous है. That is ATM adaptation layer and ATM layer. See? ये data link layer हो गया. बाकी ये आपका ATM reference model है. ये एक hexagonal type geometry है. You can see this is higher layer. These are higher layers. This is control plane, user plane, this is management plane, this is ATM reference model. ये पूरा ATM reference model हो गया. This is layer management, this is plane management, clear? This is physical layer, ATM layer, AAL. तो ये आपका पूरा complete, ये आपको draw करना होगा जब reference model पूछा जाएगा. ये diagram बहुत important है. आप इसमें कंटेंट अगर थोड़ा बहुत भी लिखेंगे इट विल बी मैनेजेबल, बट अगर आप इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे. ध्यान रखिएगा. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ क्वेश्चंस अराइजेस फ्रॉम द एटीएम बेसिकली, तो एटीएम रेफरेंस मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान रखिएगा. सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इज देयर एनी डाउट? हेलो. यस. तो एटीएम रेफरेंस मॉडल समझ में आ गया सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा. नाउ आई एम गोइंग टू अगेन ऑन द ट्यूटोरियल शीट. सो इफ आई अगेन गो टू द ट्यूटोरियल शीट, लिस्ट द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. So you have got that the functions of transport layer. ये सब तो आपको मिल गया होगा PDF में. Then UDP header format. ये भी हमने आपको बताया था जब UDP पढ़ाया था तो हमने header format आपसे discuss किया था. I'm again trying to share you the UDP उसके header format में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको एक बार दोबारा. अगर किसी ने नहीं draw किया है तो एक बार फिर से दिखा देते हैं. जस्ट वेट करिएगा, मैं आपको शेयर कर रहा हूं. जस्ट वेट. जस्ट शेयरिंग यू द solution. Just wait. Okay. Just wait. एनीथिंग एल्स? इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं. इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? हेलो. इसके अलावा किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? नहीं सर, वो था पूछ लिया. ये देखिए शेयर कर रहा हूं मैं. Okay, so ये दिख रहा है सभी को? ECP, UDP and SCDP. So if you go through the PDF, इसमें आपको जो है जो UDP का पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था. एक मिनट. ये दिख रहा है सभी को? Hello, this question is showing to all of you.
This is the UDP format, basically is a datagram format. Yes, sir. You can see the header is of 8 byte, then this is what the subdivision of the header. You can see on the bottom of the exactly we are having source port number, destination port number, total length, then checksum field for error detection and correction. ठीक है, तो ये सब आप, ये आपका UDP का format है. This is for checksum calculation. This is for pseudo header format. So for checksum calculation. So we have यही आपको draw करना था उसमें. This is what this is how we can accommodate the this is how we can accommodate the TCP UDP in the TCP, sorry, how we can accommodate the HTTP TCP UDP in the TCP IP suite exactly, or we can say how we can accommodate the network layer in the this particular TCP IP suite. See, तो ये आपका जो है, ये इससे पूरा क्वेश्चन आपका कवर हो गया. वो इसमें आपका जो भी टीसीपी आईपी एंड एससीटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब आपको इससे मिल जाएंगे. ठीक है, इसके अलावा जो है ये आप लोगों ने कर ही लिया फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, देन यूडीपी टीसी का कंपेयर भी हमने आपको बता ही दिया था दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है यूडीपी एंड टीसीपी में. उसके बाद एक्सप्लेन the functions of session layer and what are the design issues with it. ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया था. ठीक है, session layer का क्या काम होता है and what are the design issues with it. So I think the questions are covered. ठीक है, in this tutorial 4 and you need to attempt 2 questions from the 5 categories which I have made in this particular tutorial. The 5 categories are network routing, congestion control, internet networking, then IP packets. ठीक है, तो जितने भी हमने ये 5 कैटेगरी बनाई है इन 5 कैटेगरी से आपको 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विद सॉल्यूशन फॉर द सबमिशन ऑफ ट्यूटोरियल. इज इट क्लियर? सो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन शुड बी देयर एंड यू कैन डू इट फ्रॉम ईच सेक्शन. सो आप 2-2 क्वेश्चन एक एक सेक्शन से उठाएंगे एंड यू विल डू इन द असाइनमेंट. इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Now, अब हम लोग ट्यूटोरियल 5 पे आते हैं. Now we come to the ट्यूटोरियल 5. तो ये जो क्वेश्चन हमने दिए हैं सब आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं पहले. ठीक है ना, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर इम्पोर्टेंट. क्लियर? Now if you see this is ट्यूटोरियल 5 which I have shared to you all. Yes. So in this tutorial 5 you can see belong to the application layer basically, and these are some subjective question. It is also categorized according to the topics. Clear? So isko bhi humne categorize kiya hua hai 5 topics mein. So jaise ki shuruaat mein introduction belong to application layer, then different file transfer protocols approach, then introduction to electronic mail, then virtual terminals and cryptography and network security. So if you go through the questions individually, there are totally total 15 questions are there. Out of 15 you at least do 10 question. And okay, so today we have discussed about the understanding of the application layer, and then we have discussed about the DNS, that is domain name server basically. Clear? And then we have discussed about the file transfer protocol and TFTP. So my question is this, if you see the starting question from the application layer, basically introduction, that is what do you understand by application layer, explain in brief. So yeah, I think aap sabhi ko pata hi hoga ki application layer hote kya hai. और जब एसएमटी सर भी ने भी आपको स्टार्टिंग में जब ओएसआई लेयर डिस्कस किया होगा तो डेफिनेटली उन्होंने ये चीज बताई होगी आपको. एम आई राइट? हम्म,
व्हाट आर द रोल ऑफ डिफरेंट लेयर्स, ये आपसे सर ने जरूर डिस्कस किया होगा. हाँ सर, एकदम छोटे छोटे में किया था. क्या काम है OSI मॉडल में हम लोग ने डिफरेंट लेयर्स जब देखी थी तो सर ने हाँ छोटा छोटे में मतलब थोड़ा थोड़ा बताया था कि क्या क्या रोल है. Okay, so now can anyone explain what is the role of application layer in the OSI model? Can anyone explain the role of application layer now? Anyone of you? Okay. I think you all are not remembered with this. So I'm just trying to share you. Just wait. If you draw the, if you exactly talk about what is the role of this application layer in the OSI model. Share नहीं हो रहा. Just trying to share. Black screen आ रही है. Okay, okay. I'm trying to share. Just wait. सर एप्लीकेशन लेयर में जहाँ तक मेल सर्विसेज फाइल ट्रांसफर ये सब आता है. हाँ वही मैं जानना चाह रहा हूँ. तो जैसा कि इसका नाम है एप्लीकेशन लेयर मींस एप्लीकेशन इज बिलोंग टू द एप्लीकेशन एग्जैक्टली. क्लियर? जैसे ये दिख रहा होगा आपको. इज इट विजिबल? मैंने नेट फाइल एक्सेस करी है. विजिबल. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सभी को दिख रहा है ये? यस सर. हमने फाइल शेयर करी हुई है, इसको आप देखिए. सीधा डेफिनेशन पेज पे जो ये पूरा का पूरा इसमें डेफिनेशन पार्ट है ये देखिए. ठीक है. सो एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर इन द ओएसआई एंड टीसीपी आईपी. ये आप देख सकते हैं, ये आपका ओएसआई लेयर है. इफ यू सी दिस इज द ओएसआई लेयर एंड इन दिस ओएसआई लेयर द टॉप मोस्ट लेयर इज द एप्लीकेशन लेयर. Then presentation layer, then session layer, then transport layer. We have network layer, data link layer, and then physical layer. Clear? So this highlighted portion is exactly the application data and information. Clear? That belong to the application layer, presentation layer, and session layer. Exactly. Clear? So application layer is the topmost layer in the OSI and TCP/IP layered model. This layer exists in both. Layered model because of its significance of interacting with user and user application. Clear? So this layer exactly exists in both layered model. Both layer model की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? We have two layered model exactly. अभी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ. ये देखिए. It is not. एक मिनट वेट करिएगा. जस्ट ट्राइंग टू शेयर यू. ओके आई लेटर ऑन आई विल शो यू क्या मैं कहना चाह रहा था इसमें. चलिए अभी मैं अभी जो अभी डिस्कस कर रहे थे वही कर लेते हैं. देन लेटर ऑन आई विल शो यू व्हाट इट वांट टू से. ओके सो सो इट इज एग्जैक्टली एग्जिस्ट इन बोथ द लेयर्ड मॉडल. नाउ द दिस लेयर इज फॉर एप्लीकेशंस व्हिच आर इन्वॉल्वड. यू कैन सी this layer is for applications which are involved in communication system. This is very important. ek line isme likhi hui hai, main aapse pooch bhi raha tha ki ye dekhiye. This layer is for applications which are involved in communication system. Clear? jo bhi communication system mein hamare applications hote hain usme ye involve hoti hai layer. जो भी जैसे एप्लीकेशन जिस पर्पज के लिए हम जो भी चीजें इन्वॉल्व ट्रांसमिशन में यूज कर रहे हैं
वो सबके लिए एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है. ए यूजर मे और मे नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन लेयर इज वेयर द एक्चुअल कम्युनिकेशन इज इनिशिएट एंड रिफ्लेक्ट्स. बिकॉज दिस लेयर इज ऑन द टॉप ऑफ द लेयर स्टैक, इट डज नॉट सर्व एनी अदर लेयर्स. क्योंकि ये टॉप पे है तो ये किसी को सर्व नहीं करेगा नीचे, ठीक है. एप्लीकेशन लेयर टेक्स द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑल लेयर्स बिलो इट टू कम्युनिकेट और ट्रांसफर इट्स डेटा टू द रिमोट होस्ट. Yeah, so this is all about the functioning of this. So it takes the help of transport layer and all layers below it to communicate or transport its data to the remote host. So when an application layer protocol want to communicate with its peer application layer protocol or remote host, so it hands over the data or information to the transport layer. सीधी सी बात है, अगर ये किसी भी लेयर पे कम्युनिकेशन करना चाहता है विथ इस पीयर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, और तो ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए रिमोट होस्ट में है या अपने पास में ही कोई एप्लीकेशन लेयर इसी के पास है, इसी के आसपास कोई एप्लीकेशन लेयर है या रिमोट होस्ट पे कोई एप्लीकेशन है तो उससे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, इट हैंड्स ओवर द डेटा और इंफॉर्मेशन टू द ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर को हैंड ओवर कर देगा data or information, ठीक है. So the transport layer does the rest with the help of all the layers below it. The transport layer अपना सारा functioning करेगा इसमें, ठीक है ना. So this is the major functioning that is involved with the application layer. Clear? उसके बाद फिर detail में तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ही, पढ़ ही रहे हैं अभी. FTP, HTTP ये सब इसके क्या हैं? ये सब इसकी सर्विसेस हैं एक तरह से, ठीक है. दीज आर द सर्विसेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, दैट इज एफटीपी, एचटीटीपी एंड टीएफटीपी, पीओपी, ये सब जितने भी हैं. क्लियर? तो अभी मैंने आपको जो ये शेयर किया है, इट जस्ट टेल्स अबाउट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एप्लीकेशन लेयर एग्जैक्टली एंड व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ दिस. तो ये कुछ समझ में आया आपको, ये इसके बारे में क्या करता है ये? इट्स एग्जैक्टली डील्स विद द एप्लीकेशन रिलेटेड वर्क, ठीक है. जो भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड वर्क्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी सिस्टम है, कुछ कोई कम्युनिकेशन कर रहा है किसी भी एंड पे, तो जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो सब एप्लीकेशन लेयर के थ्रू होता है, ठीक है. एप्लीकेशन बेस्ड जो भी हमारा, जैसे कोई हम काम कर रहे हैं, कुछ फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर टास्क इज ए एप्लीकेशन बेसिकली, ठीक है. तो वो इसके इस लेयर में वो चीज है कि ये उसी से उससे आपका पूरा फंक्शनिंग डील होता है, एप्लीकेशन शेयरिंग एक तरह से कह सकते हैं. सो इसके बाद एक जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीएनएस. डीएनएस इज डोमेन नेम सर्वर सो या सिस्टम, सो इट्स कंपोनेंट को मेंशन करना है. तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज डीएनएस एंड तो आज ही मैंने बताया था. तो कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज डीएनएस नाउ. ओके, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज डीएनएस. Hello. Anyone of you can explain the DNS? What is domain name system? The domain name server. आवाज आ रही है मेरी सभी को? So basically, hello, मेरी आवाज आ रही सभी को? All of you are getting my voice?
हेलो आई एम ऑडिबल सिद्धांत श्रीवास्तव सिद्धांत आर यू गेटिंग माय वॉइस हेलो there any issue with the voice I'm just connecting hello. again just sir. hello आवाज आ रही मेरी हाँ सर disconnect हो गया था actually अभी okay okay so I'm just asking about the second question that is what do you understand by DNS सर डोमेन नेम सिस्टम ये सर हमारा एक आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास में जी जी बताइए जो भी हमारी कंप्यूटर ओरिएंटेड सर्विसेज होती हैं उसका एक हायरार्कर ऑर्डर में नेमिंग सिस्टम होता है एक ये इसके अलावा कुछ और जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी अगर हम लोग ईमेल का ले लें ईमेल का एग्जांपल तो जैसे मेरी ईमेल आईडी है siddhant1803@gmail.com यहाँ पे siddhant1803 मेरा यूजर नेम है और एट द रेट के बाद में जीमेल ये हमारा डोमेन है गुड तो जैसे एट द रेट के बाद या के लिए कोई वेबसाइट है सपोज ठीक है तो वेबसाइट में आप लोग देखते होंगे .com, .in ये सारी चीजें जो लिखी होती है ना ये सब रिलेट करती है डोमेन नेम से These are the domain name. वो किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं exactly, जैसे मैंने बताया था आपको ऑर्गेनाइजेशन है को आप कोई एड्रेस कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सपोज ORG यूज हो जाएगा ठीक है किसी किसी आप मान लीजिए इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है तो उसके रिगार्डिंग वो डोमेन नेम हो जाएगा .com, .in ठीक है तो दिस इज अ नेटवर्क हायरार्की एग्जैक्टली तो एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल बेसिकली क्या डिफाइन करता है हाउ द एप्लीकेशन प्रोसेसेस रनिंग ऑन डिफरेंट सिस्टम्स क्लियर हर एक डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे कैसे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है ठीक है रन कर रही है तो कैसे आपका मैसेज पास हो रहा है टू ईच अदर एक दूसरे को कैसे मैसेज पास हो रहा है सो एग्जैक्टली इट इज ए सिस्टम एक तरह से कह सकते हैं ये डायरेक्टरी सर्विस है जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी होती है इट प्रोवाइड्स ए मैपिंग बिटवीन द नेम ऑफ ए होस्ट और ऑन द नेटवर्क एंड इट्स न्यूमेरिकल एड्रेसेस क्लियर सो दिस इज अ टाइप ऑफ हायरार्की एग्जैक्टली जो तुमने अभी बोला भी है That is good. That is correct. It is a type of hierarchical structure. Network hierarchy follow hoti hai isme. Ek tarah se ye host name hota hai IP address ka. Wo IP address translation service clear. So एक मैं आपको डायग्राम शेयर कर रहा हूँ आई थिंक इसको आपको देखिए तो आपको शायद क्लियर होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो डोमेन होता है किस तरीके से हमारा वर्क करता है आई एम जस्ट शेयरिंग यू जस्ट वेट हाउ ए डोमेन वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज इट विजिबल ये डायग्राम दिख रहा है सभी को यस सर This is the organization of domain. ये देखिए जैसे एक डायग्राम हमने आपको उस समय भी पढ़ाते हुए दिखाया था ये इसी तरह का वो भी डायग्राम था ये देखिए ये रूट हो गया आपका This is root DNS server.